हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ अलग और टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो ये नाश्ता बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमने एक आलू लिया था, आलू को कद्दूकस कर लिया है। हमने ये कच्चा आलू लिया है और ये हमने ये पत्ता गोभी लिया है, तो इसको इस तरीके से हमने कट कर लिया है। और ये हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। देखिए, हमने ये सब्जियां ली हैं, तो आप इसकी जगह कोई भी सब्जी ले सकते हैं जो भी आपके पास हो और आपको पसंद हो। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यह हम इसको हटा देंगे बाउल के साइड में और यह लेंगे मिक्सी ग्राइंड। तो मिक्सी ग्राइंड में हमने यह थोड़े से चावल लिए, कच्चे चावल। इनको थोड़ी देर हमने पानी में भिगो दिया था, तो इनका पानी हमने निकाल दिया। अब इनको डाल देंगे मिक्सी ग्राइंड में। तो यहाँ देखिए, हमने चावल को मिक्सी ग्राइंड में डाल दिए। अब लेंगे 4 से 5 हरी मिर्च। तो यहाँ देखिए, हमने ये चावल को पीस लिया। अब इसको हम बाउल में डाल देते हैं। तो इसको मिला लेते हैं सब्जियों में। तो यह इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि मिक्सी ग्राइंड का जो भी पेस्ट लगा होगा ना चावल का, वो भी काम आ जाएगा। तो यह हमने इसमें पानी डाल दिया हमें। तो यह हम इसमें एक कटोरी आटा डाल देंगे। आटे को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसका एक पतला घोल बना लेंगे। तो यह आप इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। नमक को भी इसमें अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ इसमें कोई भी मसाले नहीं ऐड करेंगे हम। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिया को इसमें अच्छे से मिला लेंगे और अब इसको बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। ये देखिए, ये हमारा बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो यह हमने बनाने के लिए गैस पे पैन रख दिया है। तो पैन में हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे। तो तेल को चम्मच से पैन में चारों तरफ इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे। तो अब जो हमने बैटर बना करके रखा था ना, बैटर को इसमें डाल देंगे। यह देखिए, यह हमने इसमें पूरा बैटर डाल दिया है और इसको चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। तो चारों तरफ अच्छे से फैला दिया है और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको ढक करके एक से दो मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो यह देखिए, हमने इसको ढक करके रख दिया है। अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं, ये अच्छे से पका है या नहीं। तो देखिए, अच्छे से एक साइड से अच्छे से पक चुका है। तब हम इसको दूसरी साइड से पलट लेंगे। तो पलटने के लिए हम पहले इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, फिर इसके ऊपर पैन रख करके प्लेट को पैन में पलट देंगे। तो इस तरीके से इस नाश्ते को पलट करके हम दूसरी साइड से भी अच्छे से इसको सेक लेंगे। तो ये हम इसको दूसरी साइड सेकने के लिए इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच तेल डाल देंगे। नाश्ते के चारों तरफ हम इसमें तेल डाल देंगे, तो दूसरी साइड से भी अच्छे से सिक करके तैयार हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। अच्छे से सिक चुका है। तब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये नाश्ते की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो ये हमने नाश्ते को टमाटो केचप के साथ सर्व किया। आप इसको किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।